बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हबीबास किचन में एक बार फिर बहुत ही यम्मी और न्यू रेसिपी के साथ खुश आमदीद। आज की रेसिपी में हम मिल्क पुडिंग बना रहे हैं और ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एप्पल, और एप्पल के हम छिलके उतार लेंगे और इस तरीके से हम इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। फिर हम इन क्यूब्स को डालेंगे ब्लेंडर जग में, और ये हमारे पास है दूध 2 ग्लास, इसको भी हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको हम डालेंगे सॉस पैन में, और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और 1/2 कप हम इसमें डालेंगे चीनी, और 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम लम्स नहीं रहने देंगे। मिक्स करने के बाद दूध को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और पकाने के दौरान हम हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारे पास है सर्विंग डिश, और दूध को हम डालेंगे सर्विंग डिश में और इसको हम रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि जो हमारी पुडिंग है वो अच्छे से ठंडी भी हो जाए और सेट भी हो जाए। और अभी ये हमारे पास है एक एप्पल, एप्पल के हम बीज हटा देंगे और इस तरीके से इसको बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। अभी हम फ्राई पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, और बटर को थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे एप्पल क्यूब्स, और इन क्यूब्स को हम फ्राई करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, और चीनी डालने के बाद हम एप्पल क्यूब्स को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हमारी जो पुडिंग है वो अच्छे से सेट भी हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। तो अभी हम पुडिंग को इस तरीके से फ्राई किए हुए एप्पल से गार्निश कर देंगे। इसको हम मज़ीद गार्निश करेंगे कुछ बारीक कटे हुए नट्स से, और ये हमारी बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।